हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। व्हाट पीपल डू दीज डेज, स्पेशली द स्टूडेंट्स, दे ट्राई टू अडॉप्ट द शॉर्टकट्स व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू सक्सेस, बट इट इज शॉर्ट लिव्ड, वेरी शॉर्ट लिव्ड। बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स शॉर्टकट्स नू अपनाते हैं, नकल मारन ते विश्वास रखते हैं। कई लोग क्लासेस स्किप करते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं, स्किप करते क्लासेस। दैट इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू डैमेज देयर करियर एंड देयर पर्सनैलिटी। नकल मारना स्कूल तुसी कर लोगे, एग्जामिनेशंस तुसी कुछ ना कुछ कर लोगे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो जाओगे उत्थे की करोगे? जे कुछ आंदा होगा, नकल भी अकल नाल ही वजदी है। जे तुसी पहला पढ़िया होगा, कुछ कीता होगा, ता ही तुसी नकल भी कर सकते हो, राइट? सो जिहड़ा शॉर्टकट है वह एक बारी दा तुहानू बहुत अट्रैक्ट करता है कि असी 90, 92, 93% लै लांगे, पर जे तुहाडे च क्वालिटी नहीं हैगी, तुसी किवें अगे जाके होर एग्जाम्स च। अजकल जिवें बच्चे एड्स च जाते हैं, एड्स च भी पैसे दे के बैंड्स ले जाते हैं बहुत सारे लोग, पर जदों अल्टीमेटली जाके बाई चांस तुहाडी एयरपोर्ट ते इंटरव्यू हो जाती है, कितने फोन ते तुहाडी इंटरव्यू हो जाती है, कितने जाके तुहानू कुछ बोलना पैंदा, कुछ नहीं आया, यू विल बी सेंट बैक टू योर ओन कंट्री। एक बार तो तुहानू ऐ हो गया, मेरे 7 बैंड आ गए, मेरे 7.5 बैंड आ गए, एंड जदों तुसी फेस करना उत्थे जाके रियलिटी प्रैक्टिकली तुसी उस चीज़ नू यूज़ करना, उत्थे की करोगे? दैन यू आर गोइंग टू फेल। लकीली इफ यू सक्सीड इन दैट, दैट इज़ जस्ट 1 or 2% इट हैपन्स, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी एट लॉस। किसी भी काम च जे आपां जिहड़े वैसे भी तुसी देख लो सफ़र करदे हो, तुसी लिंक रोड्स लै लो, इन्नियां गंदियां लिंक रोड्स होंदियां, तुहानू मेन रोड तो ज़्यादा टाइम लिंक रोड ते लग जांदा है, पर आपां लालच च आके कि इधरों शॉर्टकट चले जाइए तो जल्दी पहुँच जाएंगे, पहुँचना आपां उस तो ज़्यादा टाइम से है। हाईवे ते जाओगे तुहानू कोई ऑब्सटैकल नहीं मिलती, कुछ नहीं, तुसी स्मूथली अपना जाओगे और आराम नाल पहुँच जाओगे, शायद टाइम भी घट लगे। शॉर्टकट्स तुहानू टाइम ज़्यादा लग जाना थोड़े दे बजाए। सो ये आपां देखना है कि आपां किवें अपना अल्टीमेटली लॉस नहीं करना। कई बच्चों नू देख लेंगे कि पेरेंट्स ते डिपेंडेंट है, सारे बच्चे ही पेरेंट्स ते डिपेंडेंट होंदे है, और पेरेंट्स जिहड़े गरीब तो गरीब भी अपने बच्चे नू इदां पालदे जिवें कोई अमीर अपने बच्चे नू पालदा है। हर सहूलत अपने बच्चे नू देण दी कोशिश करदा है, हर किसी भी जगह पर कोई पैसा चाहिए, कोई चीज़ चाहिए है, एनीथिंग दे डू फॉर देयर किड्स, और किड्स का इन रिटर्न की फर्ज है कि उन्होंने जिहड़ी मेहनत है, उन्होंने स्ट्रगल है, उन्होंने बूर लाउण, उन्होंने फल फुल देण। तो जे वो नहीं करते, ये फिर नोबडी कैन स्टॉप यू, थोड़ी देर तुहानू सक्सैस मिलेगी, पर जिहड़ियां बददुआवां पेरेंट्स के दिलों भी निकलदियां बहुत बार, जदों तुसीं अननेसैसरी किसी नूं अपने पेरेंट्स नूं तंग करदे हो, जिन्होंने तुहाडे वास्ते सब कुछ अपना गवाया हुंदा है, ते तुसीं उन्हां नूं तंग करदे हो, ते बददुआ उत्थों, और जो वह बददुआ निकलनी है वह फिर कितने तुहाडा पिछा नहीं छड्डूगी। कीप दैट इन माइंड। टाइम बीइंग तुहानू लगता है कि तुहानू उन्होंने पैदा किया, तुसीं उन्हां नूं नहीं पैदा किया, उन्हां दा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तुहानू उन्हां दियां गल्लां कौड़ियां लगदियां बच्चों, पर अल्टीमेटली जो आप तुसी उस स्टेज पर पहुँचोगे फिर तुहानू लगना है कि हाँ असी गलत सी, और उदो फिर कुछ हुंदा नहीं, जिहड़ियां आदतां पै गईयां वो छुटदियां नहीं, वेरी रेयर। सो ये चीज़ां आपां देखना है कि पेरेंट्स नू जिहड़ा, पेरेंट्स दोबारा नहीं मिलने तुहानू, रिश्ते है, पैसे है, कोई पोजिशन है, यू कैन गैट इट अगेन, बट नॉट द पेरेंट्स। वो तुहानू एक बारी मिले है, इक्को ही मिले है, वह दोबारा नहीं मिलने। सो उन्हां दी कदर करो, टाइम की कदर करो, मेहनत करो, एफर्ट्स करके अगे पहुँचने की कोशिश करो, ना कि शॉर्टकट्स के थ्रू।
राइट। सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी ऑलवेज।